हेलो एवरीवन, आज का हमारा वीडियो है पलक के ऊपर गांठ हो जाना। तो ये दो तरह की होती हैं, एक दर्द करने वाली और एक दर्द नहीं करती है। अब दर्द वही करती हैं जो हमारे बिल्कुल मार्जिन पर निकली हुई है, वो ही आपको पेन करेंगी, क्योंकि उसमें पस फॉर्मेशन भी कई बार होती है। पीछे की तरफ जो निकलती है वो पेन लेस वाली होती है, वो आपको दर्द नहीं करेंगी। किलर जोन इस कंडीशन को बोला जाता है मेडिकल टर्म में। इसका कारण होता है हमारे यहाँ पे बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं, अगर उनका रास्ता बंद हो जाए, उसके डक्ट बंद हो जाए, तो उसकी वजह से वहाँ पे सिक्रीशन उसका बंद हो जाता है और वो अंदर अंदर इकट्ठा होता रहता है। ये मल्टीपल्स भी हो सकती हैं और सिंगल भी हो सकती हैं और वेरियस साइज में हो सकती हैं। जनरली इनके हम कारण की बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो बार बार अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है, रिकरेंट आई इन्फेक्शन में ये चीज़ देखी जाती है। अगर आपको बार बार कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से भी हो सकती है। और आपको रिकरेंट आई इन्फेक्शन के साथ साथ आपको आई स्ट्राई भी हो रही है, मतलब आंखों में आपको गहरी बार बार हो रही है, अंजनियारी हो रही है, या फिर दूसरे इसके नाम है, तो अगर वो आपको बार बार हो रही है तो उसकी वजह से भी आपको ये हो सकता है। आपने कोई ऐसी आई मेकअप वाली किट यूज की है जो कि एक्सपायर्ड थी या किसी दूसरे की थी, किसी इन्फेक्टेड पर्सन की थी, तो भी आपको हो सकता है। इसके अलावा जो दोस्त कॉन्टेक्ट लेंस यूज करते हैं, उसके बाद भी ये कंडीशन क्रिएट हो सकती है। लोगों को ये कई कई साल तक भी रहते हैं जी, हमें 2 साल से है, 3 साल से ट्रीटमेंट नहीं लिया, ट्रीटमेंट लिया था पहले आराम नहीं होता है। यहाँ पे मैं आपको अपना एक केस भी शो करूंगा इसी वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। तो जनरली पेशेंट ढूंढते हैं सबसे पहले तो होम रेमेडीज ही ढूंढते हैं, यूट्यूब पे भी होम रेमेडीज ढूंढते हैं, तो आप इसको करके देख सकते हैं। वो हमारा यहाँ पे ऑयल इकट्ठा होता है, तेल इकट्ठा होता है, तो आप हल्के से गर्म कपड़े से आप इसकी पहले सिकाई कर लीजिए जहाँ पे आपको गांठ है। बहुत मामूली से आप सिकाई कीजिए, ज्यादा तेज गर्म करके सिकाई मत कीजिए, वरना वो आपकी आंखों को नुकसान दे सकती है। सिंपली सिकाई करने के बाद आप धीरे से उसको धीरे धीरे करके नीचे की तरफ को उसके आप मसाज कीजिए, क्योंकि तो ऑयल है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो आपकी कंडीशन में आराम होना शुरू हो जाएगा। 8-10 दिन कीजिए, आपको आराम नहीं लगता है तो आप इस प्रक्रिया को बंद कर दीजिए। आई वाले डॉक्टर से आप मिल सकते हैं, एक बार आप उनको दिखा लीजिए, कुछ दिन मेडिसिन खा के देख लीजिए। जब वो आपसे बोलते हैं जी ये ठीक नहीं होगा क्योंकि इसकी सर्जरी होती है, आई सर्जन के पास जाएंगे, वो आपकी सर्जरी के लिए आपको सजेस्ट करेंगे। तो 100 में से 100 पेशेंट ये चाहते हैं कि भाई हमारी आंख का मामला है, इसमें सर्जरी हमें ना करवानी पड़े। तो कुछ होम्योपैथी मेडिसिन खाते हैं, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते हैं, कुछ केस में सफलताएं भी मिल जाती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक केस शो करने वाला हूँ, एक महिला का केस है। यहाँ पे मैं 3 पिक्चर आपके सामने दिखाऊंगा। सबसे पहली पिक्चर में आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड की है, अपर आईलिड है, और इसमें ये लगभग 2 महीने से बनी हुई है, पेन लेस कंडीशन है। इस तरह की जो पिक्चर आपके सामने लगी है, मेरा ही केस है, इसमें कोई पेशेंट को दर्द नहीं था। आई डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने इसके लिए सर्जरी के लिए बोला कि भाई आप इसकी जाके सर्जरी करवा लीजिए, इसका ऑपरेशन आप करवा लीजिए, इसका और कोई समाधान नहीं है। पेशेंट को मेडिसिन दी, होम्योपैथिक मेडिसिन दी, और लगभग 15 से 20 दिन बाद पेशेंट की स्थिति ये थी कि उसमें पेन हुआ, चाहे वो पस फॉर्मेशन हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, उसमें पेन स्टार्ट हुआ और उसमें से डिस्चार्ज होना शुरू हुआ। पस फॉर्मेशन थी तो पस निकलना शुरू हुआ। ये सेकेंड पिक है जो आपके सामने लगी हुई है, ये लगभग 20 दिन के बाद की पिक्चर है। और नंबर थर्ड पिक्चर आपके सामने ये है, जो कि कंडीशन बिल्कुल ठीक हो गई है लगभग अगले हफ्ते, मतलब ये मानिए कि 25 से 30 दिन में इस पेशेंट की ये कंडीशन ठीक हो गई है, जो कि काफी लंबे समय से बनी हुई थी, रुकी हुई थी, और डॉक्टर ने इनको सर्जरी के लिए ही सजेस्ट किया था। होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि इस तरह की कंडीशन को ठीक करती हैं, जैसे स्टेफिसगिरिया है, सल्फर है, बेलाडोना है, सिलिशिया है, हिपरसल्फ है, और लैकेसिस है, बहुत सारी दवाइयां हैं इस तरह की कंडीशन को ठीक करने के लिए। तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि आप सर्जरी करवाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आप पहले होम्योपैथी दवाइयां खा सकते हैं। 1 महीने 2 महीने आप दवाई खा लीजिए, सोल्यूशन नहीं मिलता है तब जाके आप इसकी सर्जरी करवा सकते हैं। अब मैं आपको ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि सारे ही केस इससे ठीक हो जाएंगे, कि जो भी 100 के 100 पेशेंट हैं इस कंडीशन के वो इन होम्योपैथी दवाइयों से ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सारे केस इस तरह से ठीक नहीं होते हैं, फिर भी सर्जरी से पहले आप इस तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आप सर्जरी से बच जाए। तो होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, कारगर हैं, ये मेरे पेशेंट हैं जो कि बिल्कुल ठीक हुए। तो ये था दोस्तों वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझ में भी आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। किसी व्यक्ति को अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को जरूर शेयर आप कर सकते हैं। होम्योपैथी दवाइयां मैं इस वीडियो में जो पेशेंट को दी थी वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं ये मेडिसिन बता देता हूँ तो सारे ही पेशेंट उन दवाइयों को इस्तेमाल करेंगे, बिना लक्षण देखे इस्तेमाल करेंगे, और फिर वो देखेंगे कि उनको आराम नहीं हुआ, फिर बोलेंगे कि डॉक्टर साहब ने कैसी दवाइयां बताई, आराम नहीं हुआ। तो सबसे अच्छी राय यही है,
आपको ये कंडीशन है तो नजदीकी होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और सर्जरी से आप बच सकते हैं। थैंक यू सो मच।